स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में दोस्तों नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है यह है मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे तो आज के हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर एक पत्रकार के तौर पर और पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर देश की उन्नति में और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में मौलाना जी का कितना योगदान रहा है तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान आचार्य पवनवश जी जो रावल वास खुर्द राजकीय विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक हैं और कैलाश चंद्र सैनी जी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदमपुर मंडी में प्रिंसिपल हैं और बिमला चौधरी जी जो हरियाण माफ़ कीजिएगा जो सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा में प्रोग्राम ऑफिसर है आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में पवन जी सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे मौलाना जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्योंकि हमने बहुत सुना है कि वो बचपन से ही बहुत मेधावी थे तो उनके बारे में उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें किरण जी जैसा कि आपने बताया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है जी। और 11 नवंबर 1888 को ही जी। अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ जी। मक्का में जी। और वहाँ से इनके पिताजी 1890 में भारत में आ गए और भारत में और कलकत्ता में आकर के इन्होंने निवास बनाया और यहाँ ये एक मुस्लिम जो धर्म है उसके धर्म गुरु और विद्वान के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की और इनके पिताजी मोहम्मद खैरुद्दीन जी, जी बहुत ही बड़े विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो गए उनका असर इनके ऊपर भी पड़ा धीरे धीरे ये भी घर पर ही इसी तरह से धर्म की शिक्षा ग्रहण करने लगे जी। इनकी माता जी आलिया वो एक सभ्य गृहिणी थी जी। और प्रारंभिक शिक्षा माता से ही जैसे कि हमें पता है कि सबसा प्रथम गुरु माता ही होती हैं तो माता आलिया से इन्होंने धर्म की भी अन्य सामाजिक और देश के अन्य जो विषय हैं उनके बारे में सूक्ष्मता से उनसे सीखा और जाना और धीरे धीरे इनके घर पर ही जब इनको ये लगा इनकी धर्म में बहुत शिक्षा धर्म के प्रति बहुत रुझान रहा शिक्षा धार्मिक रूप से ग्रहण हो ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा हालांकि ये एक हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे फिर भी इन्होंने मौलाना जो शब्दिन के आगे लगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ये मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनसे बहुत प्रभावित रहे और अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करने का इनका मुख्य उद्देश्य रहा इनका जब छोटी सी उम्र थी 11 वर्ष की अवस्था थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया और छोटी सी अवस्था में ही 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी बेगम जुलेखा से जो धीरे धीरे इनों का ज्यादा गृहस्थी में जाना इनका रुझान नहीं रहा और शिक्षा के प्रति आगे बढ़ते गए शिक्षा की भूख इनमें भूरी रूप से हृदय में भरी हुई थी कि जितनी भी शिक्षा ग्रहण कर सकूँ मैं ग्रहण करूँ ये भूख निरंतर बढ़ती जा रही थी और इसको देखते हुए इनके पिताजी ने विशेष रूप से दर्शन शास्त्र गणित और इतिहास का एक अलग से शिक्षक नियुक्त किया जो घर पर ही इनको पढ़ाने आता था प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर से ही हुई जी। और सारा जैसे ये शिक्षा भाषा के ऊपर इनका अधिकार और उसका धर्म के साथ समन्वय करना इनने अच्छी तरह से सीख लिया था अरबी फारसी हिंदी उर्दू अंग्रेजी इन भाषाओं के ऊपर इनका पूर्ण अधिकार था धीरे धीरे ये हमारे देश के जो आ, स्वतंत्रता सेनानी थे जी। जो ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश में नींव जमा चुका था उसको उखाड़ने के लिए इन्होंने बशक प्रयत्न किए और महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो गए और महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन थे उनमें ये जुड़ गए इनके ऊपर दायित्व तो आया कि मुस्लिम जो युवक हैं उनको किस तरह से हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे जोड़ा जाए कैसे एकता बनाई जाए और उसके लिए इन्होंने 1912 में एक पत्रिका प्रकाशित की जिस पत्रिका का अल, अल बलाक और अल हिल, हिलाल नाम से जो पत्रिका जी. रही जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने अपने जो युवक थे इसके जो साथी थे जी. उनको ये धर्म केवल धर्म पक्ष को छोड़कर के राष्ट्रीयता की ओर उनको मोड़ना चाहते थे और उनको देश की एकता सिखाना चाहते थे उसके लिए इन्होंने लेख लिखे जिससे इनकी उस पत्रिका के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और ये फिर उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका एक अन्य प्रकाशित शुरू करनी शुरू की उसके संपादक रहे इन्होंने कई ग्रंथ अपने पुस्तकें भी लिखी लेखक रहे ये पत्रकार भी बन गए और उसके बाद इन्होंने राजनीति में आने की बजाय मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई और वहाँ गांधी जी साथ कंधे से कंधा के आगे बढ़ते रहे परिणाम क्या हुआ कि जो भारतीय नेशनल कांग्रेस उसके ये सदस्य भी बन गए जी। और 1923 में इनको फिर उसका अध्यक्ष चुन लिया गया जी और ये सब कम कम सबसे कम उम्र के बिल्कुल सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे भारतीय नेशनल कांग्रेस के और 1940 से 45 के बीच में ये अध्यक्ष रहे इसी दौरान महात्मा गांधी जी का सहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उसमें सभी मुस्लिम जो युवक थे उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और उसमें जैसे ये आंदोलन में जुड़े हुए थे ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने इनको भी तीन वर्ष के लिए जेल में डाल दिया और ये फिर जब जेल से निकले तो और भी प्रखर होकर के निकले और जब भारत को इन्होंने स्वतंत्र आजाद करवा दिया अपने प्रयासों से आजाद होने के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में ये स्थापित हुए, स्थापित हुए जी। और अभी जी जैसे आपने जिक्र किया था कि इन्होंने अल हिलाल नाम से पत्र निकाला था और अल हिलाल पत्र के बाद ही निकालने के बाद ही जो इनके नाम के आगे था मौलाना शब्द जुड़ा था जी, जी, तो मौलाना शब्द लगने के बाद लोगों में कई बार ये भ्रांति हो जाती है कि वो किसी वर्ग विशेष से संबंधित थे बल्कि सच्चाई ये है कि वो वर्ग विशेष से संबंधित ना होकर सभी वर्गों के नेता थे तो कैलाश जी आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर उन्होंने उनका क्या योगदान रहा है मौलाना जी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत पक्षधर थे जी इसी वजह से उन्होंने 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल विभाजन का विरोध किया जी कि जो राष्ट्र नफरत के आधार पे बटेगा बनेगा वो राष्ट्र कभी भी स्थाई नहीं हो सकता जी बिल्कुल और उसका परिणाम देखा हमने कि पाकिस्तान के दो टुकड़े 1971 में हुए जी इन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे और ऐसा हमने देखा और उन्होंने कहा कि ऐसा जो राष्ट्र बनता है उसके दुष्परिणाम वो दोनों देशों की जनता भविष्य में भुगतती है वो हिंदू मुसलमान की एकता के इतने पक्षधर थे कि यदि वो कहा कि यदि मुझसे कोई पूछे कि यदि आप में से स्वराज और हिंदू मुस्लिम एकता दोनों में से किसे पसंद करेंगे जी तो उन्होंने कहा कि यदि हिंदू मुस्लिम एकता टूटती है तो मैं ऐसे स्वराज को नकारता हूँ उन्होंने कहा कि स्वराज तो ना मिलने से केवल एक देश का नुकसान होता है परंतु यदि हिंदू मुस्लिम तब टूटती है तो उससे पूरी मानवता को नुकसान होता है इसलिए संसार में प्रेम भाईचारा बढ़े पूरे राष्ट्र में सभी लोग मिलजुल के रहें ऐसे राष्ट्र की मैं कल्पना करता हूँ इसलिए उन्होंने अपने मुस्लिम युवकों से भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई को छोड़ो आप आप देश की आजादी के लिए काम करो जी। और उनके प्रभाव में युवा आए भी और इसी कारण से उनके साथ बहुत युवा जुड़े तो मैं मानता हूँ कि उनका जो ये मुस्लिम हिंदू एकता का जो दर्शन था वास्तव में संपूर्ण मानवता के लिए पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है जलाना जी जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात चली है तो यहाँ जिक्र आएगा बंगाल विभाजन का जो 1905 में हुआ था उसके बाद ही जो मौलाना जी थे उनकी राजनीति में जो थी भागीदारी बढ़ी थी तो बिमला जी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या हालात हुए होंगे उस टाइम पे की मौलाना जी को आजादी की लड़ाई में सक्रिय तौर पर भाग लेना पड़ा किरण जी जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जी। उस दौरान वो धर्म के आधार पर बंटवारा था जी। लेकिन मौलाना जी जो व्यक्ति थे वो ग्लोबल थिंकिंग के थे जी। वो मानवता के पुजारी थे और उनके विचारों में संकीर्णता नहीं थी जी। जैसा कि अभी सर ने बताया भी था कि उन्होंने ये कहा था कि वो धार्मिक एकता पर उनका आ, विश्वास नहीं था वो राष्ट्रीय एकता के पुरोधा थे जी, वो यही कहते थे कि अगर राष्ट्रीय एकता बनी रहती है तो पूरी मानवता के लिए ये फायदे की बात है अच्छाई की बात है हमारा देश आजाद हुआ तो मौलाना जी पहले शिक्षा मंत्री बने और आधुनिक शिक्षा के निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही है और हमारे बहुत से दर्शकों को तो पता भी नहीं होगा कि आईआईटी और यूजीसी जैसी जो संस्थाएं हैं वो मौलाना जी की ही देन है तो आपको क्या लगता है कि एक शिक्षाविद होने के नाते उन्होंने जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया क्या उसको हम कभी भुला पाएंगे सही कहा किरण जी आपने जैसे हमारी शिक्षा और संस्कृति के प्रति उनका बहुत अधिक देश के प्रति उनका समर्पण रहा कि किस तरह से हमारी संस्कृति को और शिक्षा को बढ़ाया जाए इसके लिए जो प्रसिद्ध है आईआईटी जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसा जी। कि आपने बताया जी। दोनों को स्थापित करने का श्रेय मौलाना जी को ही जाता है मौलाना अब्दुल अबुल कलाम जी एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री भी थे और विद्वान थे और लेखक पत्रकार और राजनीतिज्ञ सारे गुण उनमें समाहित थे वो शिक्षा की जिम्मेवारी उनको ऐसे ही नहीं मिली उनको इसलिए मिली कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा योगदान देंगे बहुत बड़ी चुनौती थी देश जब आज़ाद हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य और आवास ये मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करना उनके ऊपर जिम्मेवारी थी इन्होंने शिक्षा को विशेष रूप से कारगर बनाने के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई और तीन इन्होंने जो है अकादमियाँ स्थापित की जिनमें विशेष रूप से संगीत नाटक अकादमी जो उन्नीस में स्थापित की गई उन्नीस में फिर उन्होंने साहित्य अकादमी को स्थापित किया जी। इसी तरह से एक और अकादमी ललित कला अकादमी उन्नीस सौ में स्थापित, स्थापित की, की, गई। की, गई। की गई और इसके तहत सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए गए और विविध तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे और नगर गांव कस्बा हर क्षेत्र में शिक्षा के विद्यालय खोले जाए राजकीय विद्यालय हों ये उनका एक लक्ष्य था कि हर चौदह वर्ष का जो बच्चा है उसको निशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जी। और उसी को उद्देश्य मान करके के लक्ष्य लेकर के वो आगे बढ़े और जिसमें वो सफल आज हम देख रहे हैं कि आज हम शिक्षा शिक्षित करने में आज सफल हैं ड्रॉप आउट बच्चे कम हैं कन्याओं की शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष जो है योगदान दिया तकनीकी शिक्षा जैसे कि आधुनिक शिक्षा के बारे में आप कह रहे थे तकनीकी शिक्षा कृषि शिक्षा के ऊपर और रोजगार उन्मुख जो शिक्षा है उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग योजनाएं बनाई और आयोग गठित किए और आयोग गठित किए उसके साथ साथ स्वयं ग्यारह वर्ष तक एक केंद्रीय सलाहकार जो संगठन था उसके भी सदस्य रहे जिसमें वो अपनी अच्छी जो शिक्षाएं थीं लोगों से लेते थे सलाह लेते थे और उनको क्रियान्वयन करने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और कारगर वो सिद्ध भी रहे जी। इस तरह से उनका शिक्षा के प्रति शिक्षा को किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए वो निरंतर प्रयास रहते रहे करते रहे और आज जो उन्हीं की देन है कि हमारे भारतवर्ष आज शिक्षा के प्रति आगे बढ़ रहा है जी शिक्षा को लेके साहित्य को लेके उनका एक अलग ही नजरिया था कैलाश जी आप अपने कुछ विचार रखिए इस बारे में मौलाना जी स्वयं बहुत अध्ययन रखते थे जी जब अन्य विद्यार्थी अन्य बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो एक कोने में पुस्तक का अध्ययन कर रहे होते थे जी। निरंतर वो अध्ययन करते थे वो बोलते भी थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो विद्यार्थी है जी। वो कोई पुस्तक नहीं लिख सकता है पुस्तक लिखने के लिए बहुत अध्ययन करना चाहिए और वो वैज्ञानिक शिक्षा के पक्ष में भी थे उन्होंने यूरेनियम पर बहुत ले, बड़े लेख लिखे हैं जी। बड़े निबंध लिखे हैं और दुनिया में जो विज्ञान पनप रहा है उस विज्ञान से लाभ उठाने के लिए हमारे भारतीय विद्यार्थियों को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया और उन्होंने कहा कि विज्ञान के बिना शिक्षा जो है वो अधूरी है और इसी वजह से वो उन्होंने देश के अंदर भी आईआईटी की जो स्थापना की उसका मूल उद्देश्य ही था कि वो धर्म के साथ में वैज्ञानिक शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहन जो है वो देना चाहते थे और अध्ययन में स्वयं बहुत रुचि थी बहुत लेख उन्होंने लिखे हैं बड़े निबंध बहुत उन्होंने लिखे हैं बहुत आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं और जो दुनिया के अंदर बड़े सराहे गए हैं इसलिए स्वयं भी पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे और वो चाहते थे कि इस देश का हर एक बच्चा वो जो ना शिक्षित हो हर बच्चा रुचि रखे अध्ययन में उन्होंने बहुत सारे पुस्तकालयों की स्थापना की तो उस समय में शिक्षा का प्रसार का जो प्रयास उन्होंने किया वो बहुत ही सराहनीय है प्रशंसनीय है उन्हीं पर आज देश आगे बढ़ रहा है तो बहुत बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में उनका रहा इसी कारण से उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया ऐसा मैं समझता हूं। जी बिल्कुल उन्होंने क्योंकि शिक्षा को लेकर बहुत से काम किए थे न्यूज भी उन्होंने निकाले पुस्तकें भी उन्होंने लिखी और ये तो रही शिक्षा से रिलेटेड बातें मैम आप कुछ ऐसी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ और जो आप जानते हैं और जो हमारे दर्शक अभी नहीं जान पाए हैं किरण जी मौलाना जी के बारे में तो जितना कम आ, बताया जाए जितना ज्यादा बताया जाए उतना ही कम है, कम है बिल्कुल वैसे उन्होंने अपनी जो मूल रूप से मौलवी की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी तो मौलवी का मतलब तो वैसे तो धर्मगुरु ही होता है लेकिन वो एक धर्म गुरु न होकर के वो विश्व गुरु, गुरु थे उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया उन्होंने इंसानी शिक्षा पर बल दिया उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया आप उन्होंने जो विज़न है वो बड़ा सिखाया कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा लें आप टेक्निकल एजुकेशन लें आप एग्रीकल्चर के लिए एजुकेशन लें आप वोकेशनल एजुकेशन लें तो उन्होंने जो शिक्षा के लिए जो मापदंड बनाए तो वो रोजगार देने वाली शिक्षा के लिए थे न कि रोजगार ढूंढने वाली, वाली कतार लंबी करने वाली शिक्षा के वो पुरोधा थे हां मौलाना जी एक बिल्कुल ही अलग ही व्यक्तित्व के इंसान थे कैलाश जी अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि महिला शिक्षा को लेकर भी वो काफी अग्रसर थे आ, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए उनका मानना था कि जो महिला है वो दो घरों को शिक्षित करती है जी और आधी आबादी यदि शिक्षित ना हो तो सुंदर राष्ट्र कैसे बन सकता है दुनिया सुंदर कैसे बन सकती है और उनका ये मानना था कि हमारे पूर्वजों में भी चाहे वो किसी भी हिंदू धर्म के हों चाहे मुस्लिम धर्म के हों वहाँ पर भी महिलाएं बहुत शिक्षित रही हैं विशेष करके हिंदू धर्म में तो बहुत साक्षात साक्षरकार किया है अपाला घोषा बहुत बड़ी नारियां रही हैं जिन्होंने वेद में बड़े मंत्र की दृष्टा रही हैं तो उनका ये मानना था कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक वास्तव में राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता है क्योंकि वो आधी आबादी है और बच्चे का निर्माण माता करती है माता निर्माता भवती तो यदि माता शिक्षित नहीं होगी तो निर्माण कैसे होगा बच्चे का क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे पहले उसकी गुरु माँ होती है तो इसलिए माँ से सीखता है तो मौलाना जी जानते थे कि माँ की शिक्षा के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है यदि दुनिया में तरक्की करनी है विकास करना है तो मातृ जो शिक्षा है जो नारी शिक्षा है उस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा और यदि नारी की शिक्षित देश की शिक्षित है जिस की नारी शिक्षित है वो विश्व हमेशा तरक्की करेगा ऐसा उनका मानना था और ये उनका बड़ी देन है भारतवर्ष को कि नारी शिक्षा के बिना देश जो आगे नहीं बढ़ सकता आगे नहीं बढ़ सकता जी महिला शिक्षा को लेकर उनके बहुत ही नेक विचार थे पवन जी आपसे जानना चाहेंगे कि हम सब जानते ही हैं कि मौलाना जी ग्यारह साल तक शिक्षा मंत्री रहे और इस बीच उन्होंने जैसे हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि उन्होंने बहुत से कार्य भी किए शिक्षा को लेकर जो मौलाना जी ने भारत को लेकर एक सपना देखा था वो कितना पूरा हो पाया है बिल्कुल आपने सही कहा शिक्षा का ही उनका जीवन का उद्देश्य था उन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी इंडिया विंस फ्रीडम जी जब वो उच्च शिक्षा के लिए काहिरा में गए थे अल जहीर विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी जी। तभी वहीं से नहीं पढ़ गई थी कि वो शिक्षा कैसी शिक्षा होनी चाहिए क्यों वहाँ जब पढ़ रहे थे तो अध्ययन के समय उन्होंने काफ़ी कुछ अनुभव किया जी। कि ये जो शिक्षा है केवल रोजगार प्रदान करने वाली जो शिक्षा है ये न होकर के एक राष्ट्रीयता लिए हुए होनी चाहिए और दूसरा उसमें एक अपने धर्म के प्रति भी सजगता होनी चाहिए और राष्ट्र सबसे ऊपर हो उसके लिए और एकता सभी भाईचारे की भावना को बढ़ाने वाली होनी चाहिए जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में आता है विद्या ददाति विनयम विनयाद आयाति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात धर्म तथा सुखम क्योंकि विद्या से विनम्रता विनम्रता से योग्यता योग्यता से हम अर्थोपार्जन धन कमा लेते हैं और धन से फिर हम जो है ना धर्म करते हैं तब सुख प्राप्त होता है इस तरह की परिकल्पना उन्होंने की थी कि हमारी शिक्षा आ, हर तरह से की होनी चाहिए जिससे हमने चरित्रवान भी बनाए और नैतिक भी बनाए और जो हमारा देश पूर्व में था जैसे कि ए तद देश प्रसुत सकाशाद अग्रजन्मन हमें अग्रजन्मा कहा गया भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा जैसे कि प्राचीन भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चरित्र की शिक्षा के लिए विश्व के सभी लोग उन्मुख होते थे हमारे देश की तरफ ही देखते थे उनकी परिकल्पना ये रही कि फिर से इसी तरह से हमारा भारतवर्ष एक शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो और हम एक बड़ी शक्ति के रूप में एक विश्व के सामने एक संसार के लोगों के सामने हम एक दिशा निर्देश अच्छे दिशा निर्देश देने वाले बने ये उनकी परिकल्पना थी शिक्षा के प्रति जी बिल्कुल देखिए मौलाना जी के बारे में हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है लेकिन अभी समय की कमी होने के कारण हमारे आज की चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना होगा तो दोस्तों आज हमने जाना और बहुत सी जानकारियाँ ली मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में वो एक ना ना एक बेहतर स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक महान शिक्षाविद भी थे तो उनकी जो भी उपलब्धियाँ रही हैं उन्होंने जो भी हमारा देश को लेके जो भी योगदान दिया है उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं और हम दिल से उनको शत शत नमन करते हैं तो आ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम सब के लिए बातचीत की नमस्कार नमस्कार